तो फिर ठीक है, चलो आज बात करते हैं जून काजामा के बारे में, क्योंकि ये भी रीना के ही जैसे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। ये टेकनेट में होने के बाद भी हम फैंस का बड़ा वाला काटती है, क्योंकि जून बस जिनके इमेजिनेशन में थी, बट नहीं, इसके अलावा भी जून की टेकनेट में साइड स्टोरी है, जहां ये बताया गया है कि वो टेकन 3 में ओगर से फाइट करते टाइम कहां चली गई थी और अब तक वो कहां थी। और इसके अलावा भी हम और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे टेकन 9 में जून क्या करने वाली है, क्या काजू और जून में अभी भी कुछ है, सो बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और वीडियो भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। इसलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को, एंड सच में वीडियो काफी पसंद आएगी तुम्हें, इसलिए अभी से ही लाइक कर दो, नहीं तो फिर ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। एंड अब चलो इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं तुम्हें शॉर्ट में जून काजामा की टेकन 1 टू टेकन 3 तक की हिस्ट्री बता देता हूँ, ताकि तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। बाकी हिस्ट्री जिसको पता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है। और अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो मैं तुम्हें सबसे पहले ये कंफर्म कर देता हूँ कि जून काजामा जिन काजामा की मदर है। सो जून की स्टोरी स्टार्ट होती है टेकन 2 से, जहाँ जून याकुशिमा में रहती थी, जो कि एक फॉरेस्ट है। इसके अलावा जून के काजामा ब्लड में कुछ स्पेशल पावर्स भी है, जहाँ वो एनिमल्स और बर्ड से बातचीत कर सकती है, यानी कि वो उनसे कन्वर्जेशन कर सकती है। इवन जून डेविल पावर को भी सप्रेस कर सकती है। बट यही जून याकुशिमा में रहने के साथ अपनी काजामा फाइटिंग स्टाइल कराटे की भी ट्रेनिंग करती है, जो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती आ रही है। फिर इसके कुछ टाइम बाद जून काजामा काम के चलते याकुशिमा छोड़ जापान के टोक्यो शहर में आ जाती है, जहाँ पर वो एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप WWWC के एनिमल प्रोटेक्शन के ऑफिसर के तौर पर काम करने लगती है। अब यही काफी सालों तक काम करते जून सिटी में काफी बिजी रहते अपने होम याकुशिमा से काफी दूर थी, एंड डिसीवरे से जो वो पहले नेचर से काफी क्लोज थी, एनिमल से बातचीत कर पाती थी, बट अब जून ये अपनी पावर से खो चुकी है। जिसके बाद एक दिन जून ने अपने फादर की स्प्रिट को देखा और उसे पैरानॉर्मल फिनोमिनन का एहसास हुआ, जो कि था उस टाइम का मिशिमा जैबासु का न्यू लीडर काजुया मिशिमा। सो जब जून को काजुया मिशिमा के गलत एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलता है कि वो एनिमल्स की स्मगलिंग करता है और वो डेविल के कंट्रोल में भी है, तो जून काजुया को अरेस्ट करने के लिए और उसे डेविल के कंट्रोल से फ्री करने के चलते द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 2 में पार्टिसिपेट करती है। बट यही टूर्नामेंट में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि टूर्नामेंट में जून और काजुया दोनों क्लोज आ जाते हैं, जिससे जून प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो ये बात काजुया को बताने आ रही थी, तभी उसे पता चलता है कि काजुया का फादर हियाची फिर से वापस आ गया है, जिससे जून समझ जाती है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए जून फिर से वापस अपने होमलैंड याकुशिमा आ एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वो जिन काजामा रखती है। अब यही जून अपने सन जिन को याकुशिमा में ही काफी अच्छे से पाल रही थी, उसे काजामा फाइटिंग स्टाइल की भी ट्रेनिंग देती थी। बट कुछ सालों बाद जून को एक ग्रेट इवल का सेंस होता है, इसलिए जून जिन से कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो सीधे अपने ग्रैंडफादर हियाची मिशिमा के पास चले जाए। अब कुछ टाइम बाद जो जून ने कहा था वो सच हुआ। जिनके 15th बर्थडे के कुछ टाइम बाद ओगर नामक एक डीमन उन पर अटैक कर देता है, इसलिए जून जिन को वहाँ से भागने के लिए बोलती है। बट जिन अपनी मदर को बचाना चाहता था, इसलिए जिन वहाँ से भागने के बजाय वो ओगर पर ही अटैक कर देता है, बट ओगर जिन को एक ही पंच में बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब जिन की कुछ टाइम बाद आँख खुलती है तो वो अपना घर जलता हुआ देखता है और ओगर और उसकी मदर गायब थी। इसलिए जिन को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ओगर ने उसकी मदर को मार दिया है, जिसके बाद जिन अपनी मदर का बदला लेने के लिए ओगर को मारने की कसम खाता है। इसके बाद जून किसी भी कैनन गेम में अपीयर नहीं होती, बट फिर भी जून को विजन के थ्रू हम देख पाते हैं, जैसे कि जब टेकन 4 में जिन हियाची को मारने वाला था, बट तभी जिन को अपनी मदर का विजन आता है, जिससे जिन हियाची को छोड़ देता है। फिर इसके बाद टेकन 5 के इविल विदिन मिनी गेम में भी जून का एक काफी अच्छा रोल था, बट ये स्टोरी कैनन है या नहीं ये अभी कन्फर्म नहीं है, तो इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, इसके बाद टेकन 6 का सिनारियो कैंपेन टेकन की मेन स्टोरी से कनेक्टेड है, और इसमें भी जून काजामा का कई बार जिक्र होता है, जहाँ सबसे पहले काजुया बताता है कि वो जून से कैसे मिला। काजुया ये भी बताता है कि जून काजामा काफी फियरलेस और मिस्टीरियस थी। इसके बाद जिन भी अपनी मदर के बारे में बताता है कि वो अपनी मदर को बहुत याद करता है, काश वह भी मेरे साथ होती। एंड इसके बाद फिर आगे तुम्हें टेकन 7 की स्टोरी पता ही है, इसलिए मैं इसके बाद नहीं बता रहा। बट यहीं से अब टेकन 8 की स्टोरी की भी बात करते हैं कि ओगर से फाइट करते टाइम जून कहाँ चली गई थी। तो टेकन 8 के स्टोरी मोड को कम्प्लीट करने के बाद हमें गैलरी में एक स्पेशल कटसीन या जून की साइड स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें बताया गया है कि जब ओगर और जून फाइट कर रहे थे तो दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो सीधे याकुशिमा के एक मिस्टीरियस ग्राउंड पर आ जाते हैं। बट यहां पर आने के बाद भी ओगर और जून में फाइट होती है, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जून जापान में काफी टाइम से रह रही थी, जिस वजह से वो अपनी काजामास की स्पेशल पावर्स खो चुकी थी। बट जब जून फिर से याकुशिमा वापस आई तो इस होली ग्राउंड से जून को काफी फायदा होता है, उसे काजामास
उसकी स्पेशल पावर्स मिलती है, जिससे जून काफी मुश्किलों से ओगर को डिफीट करने में कामयाब रही। बट यही जून भी काफी इंजर्ड हो गई थी कि तभी जून को कजामा फैमिली की लालाबाई मतलब कि लोरी सुनाई देती है। जिसके बाद एक मिस्टीरियस पावर से प्रेरित होकर जून एक हिडन जगह पर काफी सालों के लिए डीप स्लीप में चली जाती है। बट जब जिन शायु के साथ याकुशिमा आता है तो यहीं पर ही जून डीप स्लीप से जाग जाती है। जिसके बाद हमने टेकनेट के मेन स्टोरी मोड के एंडिंग में देखा ही कि जब जिन काजुया को डिफीट कर वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पर जून काजुया के पास आती है और यहीं पर ही स्टोरी का एंड होता है। सो इसका मतलब जून 100% अलाइव है। वो बस टेकन 3 के बाद से इतने सालों तक सो रही थी। और इसके अलावा हमने जून के कैरेक्टर एपिसोड के एंडिंग में भी जून को देखा ही था, जहां वो जिन और काजुया के साथ अपनी हैप्पी फैमिली चाहती है। सो मे बी टेकन 9 में जून काजुया और जून को एक साथ लाने के लिए कन्वेंस करने में लगी रहेगी कि सब फैमिली की तरह रहो। और मे बी काजुया पहले पहले तो मना करेगा, बट बाद में वो भी जून की बात मान लेगा, क्योंकि हमने टेकन 8 के काजुया की भी एंडिंग में देखा ही था, जिसमें वो किसी को इंटरव्यू दे रहा होता है तो काजुया से उसकी लीडिंग लेडी पहले और आपके बारे में पूछा जाता है, जिसमें काजुया बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी हम जून को भी देखते हैं और यहीं पर ही काजुया के डेस्क पर जून की भी फोटो रहती है। तो इससे पता चलता है कि मे बी काजुया अभी भी जून से लव करता होगा, कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स होगी। इसके अलावा मैंने तो मैं टेकन अपडेट्स में टेकन 8 के अनरिलीज्ड लीक कटसीन के बारे में बताया था, जिसमें जून सेम इसी जगह पर हमें उड़ते हुए दिखती है। इसलिए ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि टेकन 8 के स्टोरी DLC भी फ्यूचर में आ सकते हैं, जो कि टेकन 8 की मेन स्टोरी से ही कनेक्टेड होंगे। और हमने जो लीक कटसीन देखा था वो यही DLC लीक का पार्ट हो सकता है। और इस लीक से हमें यह भी पता चलता है कि जून भले ही टेकन 3 के बाद से सो रही थी, बट जब जब जिन को अपनी मदर का विजन आता था तो वो एक्चुअली में जून कजामा होती थी। इसलिए जिनके साथ जो जो हुआ, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये सब जून को स्लीप में होने के बाद भी पता चल रहा था। सो हाँ गाइस, ये थी जून कजामा पर वीडियो। तुम्हें टेकन 9 में जून को कैसा देखना पसंद करोगे और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताओ कमेंट्स में। और जाते हुए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी तुमसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।